दोस्तों, आप सभी ने ऐसे कई सीरियल्स देखे होंगे जिनमें आपने अलग अलग तरीके की जानदार, शानदार और ड्रामेटिक और साथ ही सिंपल शादियां देखी होंगी, जिनकी यही शादियां कभी कभी सीरियल को टीआरपी में पहुंचा देती हैं। साथ ही साथ यही वो सीन्स होते हैं जिन्हें दर्शकों द्वारा काफी पसंद भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे भी कई सारे सीरियल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिनमें शादियां शानदार तो हुई लेकिन जबरदस्ती से भी की गई है, मगर उन शादियों ने ही उन सीरियल्स को पहुँचाया टीआरपी के रेस में नंबर 1 तक, जिसके चलते ये सीरियल्स काफी सुपर डुपर हिट रहे। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि कौन से हैं वो सीरियल्स जिसमें कलाकारों की जबरदस्त शादी कराई गई है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री के उन टॉप 9 सीरियल से रूबरू करवाएंगे जिसमें कलाकारों की जबरदस्ती शादी। इसीलिए अगर आप भी इन सीरियल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो और जान लेते हैं उन टॉप 9 सीरियल्स के बारे में। नंबर 1, बालिका वधू। इस लिस्ट में नंबर 1 पर सीरियल आता है बालिका वधु, जो कि कलर्स का फेमस सीरियल रहा है, जिसमें हमें बाल विवाह जैसी कुप्रथा देखने को मिली थी, जिसके चलते 2 बच्चों की जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है, जिन्हें उस उम्र में शादी का सही मतलब भी नहीं पता होता, जो आगे चलकर दोनों पर बोझ बन जाती है। इसीलिए ये शादी एक जबरदस्ती की शादी में तब्दील हो जाती है। नंबर 2, सरस्वती चंद्र। सरस्वती चंद्र सीरियल तो आपने देखा ही होगा, जिसमें हमें कुमुद और सरस की लव स्टोरी देखने को मिली थी, मगर इसमें ट्विस्ट तब आता है जब कुमुद की शादी जबरदस्ती एक पॉलिटिशियन के बेटे परमज से हो जाती है, क्योंकि सरस टाइम पर कुमुद से शादी करने मंडप तक नहीं पहुंच पाता, जिसके चलते कुमुद को अपने घर वालों की इज्जत बचाने के लिए जबरदस्ती परमज से शादी करनी पड़ती है। मगर आपको बता तो चले कि इस सीन की वजह से इस सीरियल में काफी ज्यादा टीआरपी भी बटोरी थी। नंबर 3, इश्कबाज। स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो इश्कबाज इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है, जिसमें हमें ज्यादातर शानदार और आलीशान फंक्शन देखने को मिले थे। साथ ही साथ इसमें अनिका और शिवाय की नोकझोंक का तो क्या ही कहना, मगर शौक तो तब लगता है जब शिवाय अनिका को धमकी देकर खुद से शादी करने के लिए मजबूर कर देता है और जबरदस्ती उसे मंडप में ले जाकर बैठा देता है, जिसके बाद दोनों एक जबरदस्ती के रिश्ते में बंध जाते हैं। लेकिन ये जबरदस्ती भरा रिश्ता आगे चलकर प्यार में तब्दील हो जाता है। नंबर 4, इस प्यार को क्या नाम दूं। अगर आपको स्टार प्लस का सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं याद होगा, इसमें आपको इनके किरदार अर्णव सिंह रायजाद और खुशी कुमारी गुप्ता भी याद ही होंगे, जिसमें अर्णव बेहद ही रूड किस्म का लड़का होता है। वहीं दूसरी तरफ खुशी अपने नाम की तरह खुशियों से भरी लड़की होती है, मगर अर्णव सिंह रायजादा की रूडनेस की हद तो तब हो जाती है जब वो बिना कोई रीजन बताए, किसी को इन्फॉर्म किए बिना खुशी को जबरदस्ती मंदिर में ले जाकर उसे ब्लैकमेल करके उससे शादी रचा लेता है, जिसे देखकर दर्शक भी हैरान हो जाते हैं। नंबर 5, अपना टाइम भी आएगा। जी टीवी का सीरियल अपना टाइम भी आएगा तो आपने जरूर देखा होगा, जिसकी कहानी एक मिडिल क्लास लड़की और एक शाही परिवार पर आधारित थी, जिसमें मुख्य किरदार वीण और रानी, जिसमें ये दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग थे, मगर हैरानी तो तब होती है जब ये दोनों इतने अलग होने के बावजूद भी शादी रचा लेते हैं, मगर शादी इनकी मर्जी से नहीं बल्कि जबरदस्त तरीके से की जाती है, क्योंकि रानी को जब धोखे में मंदिर बुलाया जाता है तब वहाँ के लोग उसे मारने लगते हैं, जिसे बचाने के लिए वीर को रानी की मांग भरनी पड़ती है और इसी तरह ये जबरदस्ती की शादी में कैद हो जाते हैं। नंबर 6, कुमकुम भाग्य। मोस्ट पॉपुलर शो कुमकुम भाग्य में हमें एक जबरदस्ती की शादी देखने को मिली थी, जिसमें अभिषेक प्रज्ञा से जबरदस्ती शादी रचा लेता है, क्योंकि उसे गलत फहमी होती है कि प्रज्ञा उसकी बहन आलिया को पूरब से अलग करना चाहती है, इसीलिए वो प्रज्ञा से प्यार न करते हुए भी उससे शादी रचा लेता है और एक बेमतलब और जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ लेता है। मगर आज यही जोड़ी टीवी की बेस्ट जोड़ियों में से एक गिनी जाती है, साथ ही साथ इस शादी की वजह से ही सीरियल को काफी ज्यादा प्रेम भी हासिल हो रहा है। नंबर 7, दिल मिल गए। दिल मिल गए सीरियल भी इसी लिस्ट में शामिल है, जिसमें आपको कई सारे दमदार कलाकार नजर आए होंगे, जिसमें रिधिमा और अरमान के मुख्य किरदार था, जिनकी इस सीरियल में हमें जबरदस्त शादी भी देखने को मिली थी, जिसमें इन दोनों की शादी को लेकर काफी ज्यादा ड्रामा भी हुआ था, जिसके चलते इन्हें जबरदस्ती की शादी के बंधन में बांध दिया गया था। नंबर 8, इमली। इमली सीरियल कौन नहीं जानता होगा, जिसकी कहानी एक ऐसे जबरदस्ती के रिश्ते पर आधारित ही होती है, जिसमें एक शहर की लड़की जिसमें एक शहरी लड़का गांव जाता है, मगर वो कुछ कठिन परिस्थितियों में फंस जाता है, जिसे बचाने के लिए उसी गांव की एक लड़की इमली उसे रात को अपने घर में सहारा दे देती है, मगर गांव वाले इन दोनों को गलत समझने लगते हैं और उस लड़के को इमली से शादी करने पर मजबूर करते हैं, जिसके चलते उसे इमली से शादी करनी ही पड़ती है।
नंबर 9 शक्ति अस्तित्व के एहसास की। ये सीरियल तो आपने जरूर देखा होगा जिसकी कहानी काफी अलग थी। ऐसी कहानी शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी जिसमें जबरदस्ती हरमन और सौम्य की शादी करवा दी जाती है क्योंकि गांव वाले सोचते हैं कि इन दोनों ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, इसलिए गाँव वाले इन्हें शादी के लिए फोर्स करते हैं जिसके बाद इन्हें शादी करनी पड़ती है और जबरदस्ती ये शादी के बंधन में बंध जाते हैं। वेल दोस्तों, आपको इन टॉप 9 टीवी सीरियल्स के बारे में जानकर कैसा लगा और आपको कौन सी शादी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, अपना जवाब जरूर दीजिए। साथ ही साथ ऐसी और दिलचस्प वीडियोज को देखने के लिए और ऐसी खबरों से अप टू डेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।